बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर की दावत पर आज मैं यहाँ प्रेस क्लब आया तो मैंने कराची से कराची तक का सफर मिनटों में तय कर लिया, लेकिन मिनटों का सफर हमारे फोटोग्राफर्स हजरात ने, भाइयों ने बड़ी मेहनत से जान जोखों में डालकर एक एक तस्वीर को इस तरह से अपने कैमरे की आंख से यहाँ नुमाया करके दिखाया है कि जिसकी कितनी तारीफ की जाए। मैं तमाम ही फोटोग्राफर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी इस मेहनत, इस काबिज पर। लेकिन साथ साथ मैं तमाम ही पुरानों से, अरबाब इख्तियार से ये कहूंगा कि पूरा सिंध घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए तो आपको कराची भी नजर आ जाएगा, सिंध भी नजर आ जाएगा, उसका हुस्न भी नजर आएगा और वो बदहाली भी नजर आएगी जो शायद हमें नजर नहीं आएगी। तो अगर ठीक करना है तो कहीं घूमने की और जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आज ही प्रेस क्लब आ जाए तो आपको यहाँ वो सारे मनाजिर नजर आ जाएंगे जो हमारे फोटोग्राफर भाइयों ने आसमान किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आईना दिखाने के लिए और इन तस्वीरों का नुमाया किरदार हर उस नज़र से कि आप अगर कराची की खूबसूरती देखना चाहें तो वो भी आपको नज़र आ रही है और कराची से कराची तक का सफ़र हमारे भाइयों ने यहाँ पर अक्सपन कर दिया है। और मैं कराची तहसील पेश करता हूँ और फोटोग्राफर जो एसोसिएशन है इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, बहुत सारे उनके मसाइल भी हैं और मैं समझता हूँ कि सियासत हो या कोई भी शोभा, उसमें हमारे फोटोग्राफर भाइयों का जो अहम तरीन किरदार है उसको हम शायद हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं यहाँ सलीम भाई से कहूँगा कि इसके ऊपर बैठें और ये बताएं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और ऐसा कुछ करें कि इनके लिए ये भी कहें कि भाई एक अवामी गवर्नर ने कोई इकदाम उठाया और उसको अमली जामा भी पहना। किसी भी के अंदर आप लोगों के साथ एक गवर्नर हाउस में तमाम जितने भी फोटोग्राफर्स हैं इनका एक इशारा रखें गवर्नर हाउस में साथ रखेंगे और जो मसाइल है उसका हल भी इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, आपने तस्वीरों का जिक्र किया और सवाल भी तस्वीरों से ही होगा कि आपने यहाँ कहा कि आज के इस फोटोग्राफी में कराची का हुस्न भी है, बदहाली भी है, तो हालिया इंतखाबात में कराची का हुस्न निकल कर आया है या कराची की बदहाली निकल कर आई? दोनों ही रास्ते में फंस गए हैं, रिजल्ट नहीं आया कि बदहाली है या खुशहाली है। तो पहले रिजल्ट आने दें, फिर देखेंगे कि हमारे नसीब में और इस शहर कराची के लिए बदहाली है या खुशहाली है। अभी तो जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के दरमियान जो मैच या लेन देन हो रही है, बॉलिंग बैटिंग हो रही है, उनमें जो जमात इस्लामी और पीटीआई मरकज में एक दूसरे की आंख नहीं भाते, लेकिन कराची में बलदियाती इंतखाबात के बाद आंख लगाना शुरू कर दिए। देखिए इस वक्त जो है ना वो जोड़ और तोड़ जारी है, लेकिन मैं बहसियत गवर्नर से सिर्फ जोड़ने आया हूँ तो तोड़ने वाले मामला में भी शामिल नहीं हो, जोड़ तो हो जाए फिर देखेंगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज।